आज जल्दी आ गए। मैंने चाय बनाई थी अपने लिए, तुम्हारे लिए भी बनाऊं? चाय? मैं चाय बना रही? मैं तो समझा था कि तुम अपने सखों के दिलजोई के लिए गई होगी। किसकी बात कर रहे हो तुम? खबर नहीं पहुंची तुम तक। अम्मा हर कोई तुम्हारी तरह नहीं है कि घर में कुछ भी हो जाए तो पूरे मोहल्ले में ढिंढोरा पीट दे। यहाँ लोगों के घरों में पुलिस आ जाती है और लोग हवा भी लगने नहीं देते। क्यों पहेलियां बुझवा रहे हो? क्या हो गया है? किसके घर में पुलिस आई है? आपकी लाडली असमत के घर। क्या? समझो शहजाद का काम तमाम। तुम्हारी शिकायत पर शर्म नहीं आई तुम्हें? बच्चे के साथ मुकाबला कर रहे हो? अम्मा मैं कोई मुकाबला नहीं कर रहा किसी से। ये तो अल्लाह ने मेरी सुन ली और मेरी शिकायत पे कोई पकड़ वकड़ नहीं हुई है। चोरी की है उसने, और मैं तो सुना है क्योंकि बहुत लंबा तगड़ा हाथ मारा है उसने। मैं नहीं मानती, दुश्मन की चाल है ये। अगर मैंने कोई चाल वाल चलनी होती ना तो मैं इंतजार ना करता। तुम जाओ जरा उनकी जाके खबर तो लो क्या हालत है तुम्हारी असमत और उसके फरमान की। बड़ा मान था ना उनको अपनी तरबियत पर, वो सवारा शहजाद ने सब कुछ खाक में मिला दिया। जाऊंगी, जरूर जाऊंगी, तमाशा देखने नहीं, हौसला देने उनको। तुम भी ना अम्मा, क्या कहूं। असमत परेशान मत हो, सब जानते हैं कि शहजाद बहुत नेक और समझदार बच्चा है। खाला, इस नेक और समझदार बच्चे ना उन्हें तो कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। ऐसा मत कहो असमत, वो आ जाएगा और देख लेना कुछ भी साबित नहीं होगा उसके खिलाफ। आ तो चुका है खाला, अब अपने बाप के साथ उस लड़के के घर बैठा है। उसकी माँ से माफिया मांग रहे हैं दोनों। आपको पता है खाला, उसके बैग से सब कुछ बरामद हो गया। बस यही दिन देखना रह गया था। शहजाद तो मान था ना मेरा। खाला ये लोग वापस आ गए, आपसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है बेटा, अल्लाह तुम लोगों की हिफाजत करे। मैं देखता हूँ। नहीं फरमा, कोई जरूरत नहीं है उससे हमदर्दी करने की, ना जाए आप उसके पास। शहजाद जरूर किसी की चाल में आ गया, वरना वो ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता। और तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो दाग उस पे लगे हैं अल्लाह पाक उसे जल्दी धो डालेगा। तुम नहीं जानती असमत कितनी मक्कारी के साथ मेरे बेटे को फंसाया। नहीं फरमान, फंसने वाले का भी उतना ही कसूर होता है जितना कि फंसाने वाले का। इस वक्त शहजाद की जो तकलीफ है ना वो हमारे दुख से कई ज्यादा है। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं इतनी हिम्मत कहां से लाऊं कि उसे ये बात समझा सकूं कि ये दुनिया इतनी जालिम है कि किसी भी बेगुनाह इंसान को गुनहगार साबित करने के लिए एक मिनट भी नहीं लगाती। हम तो एक इज्जत की जिंदगी गुजार रहे थे, मुझे समझ नहीं आता हमारी इज्जत पे अब के बाद एक हमला क्यों हो रहा है। क्या बिगाड़ा है हमने किसी का?